Now distributive. Which is very, very, very important property. If we are having three rational number like a, पहले तो हम सिंपल लेते बिना रैशनल नंबर के. इफ वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन देन इसको हम नॉर्मल तो सॉल्व कर ही सकते हैं. इसके अलावा जो तरीका होता है इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट. मीन्स हमने तीन टर्म को फोर टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हमने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पर प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, c. सो वी कैन सॉल्व इन दिस वे ऑल्सो कि a विल बी मल्टीप्लाई बाय b प्लस a विल बी मल्टीप्लाई बाय c. मीन्स क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसे सॉल्व करके देखेंगे. ये हुए नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल नेचुरल होल जो भी आप कह सकते हैं. अब नाउ रैशनल नंबर. इफ वी आर हैविंग थ्री रैशनल नंबर ए बाय बी सी बाय डी एंड ई बाय एफ और ऐसी सिचुएशन है देन वी कैन सॉल्व इन दिस वे ऑल्सो. Means we have distributed this term into this manner. ठीक है, a by b का multiplication c by d से plus a by b का multiplication e by f से, means second rational number से. a b c d के form में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसको हम example के थ्रू ले लेते. Like I am having 2/3, then we can solve in this way also. इसका इससे मल्टीप्लाई एंड इसका इससे भी मल्टीप्लाई. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इट सेज इफ वी आर राइटिंग इन दिस वे और इन दिस वे द आंसर विल बी द सेम. मीन्स LHS एंड RHS जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा. हम प्रूफ करके देखेंगे क्योंकि हमने अभी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके ही एक्सेप्ट किया है कि वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट. तो सेम वे में हम इसको भी प्रूफ करके चेक करेंगे कि व्हाट मैम इज सेइंग इट इज करेक्ट और नॉट. सो क्वेश्चन इज +7/10. प्रॉपर्टी सेज यू कैन राइट 2/3 इनटू -3/5 मींस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे एंड देन अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे. बीच में जो ऑपरेशन दिया है वो यहां कॉपी होगा, 2/3 × 7/10. ये इक्वल है ऐसे नहीं, हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है. अगेन सेम प्रोसीजर, हम लेफ्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 2/3 × ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 5 and 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10. 5 2 10, सो वील गेट दिस प्लस 10 1 10, सो वील हैव दिस. Now, this is -6 + 7/10. 2/3 × -6 + 7 will give you 1/10. So finally, it is 2 multiplied by 1 upon 3 multiplied by 10. So it is 2/30. Left hand side में we are having 2/30. ये further solve हो रहा है. सो इसको हम 2 से कैंसल आउट करेंगे, 2 1 2 15. सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज आइदर 2/30 और 1/15. ठीक है, अब हम इसी को राइट हैंड साइड भी चेक करेंगे, देन वी विल कंक्लूड दैट दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइंग और नॉट. यहां पर ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो चुका है, टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं. सिंपल, ये एक टर्म है, ये एक टर्म. सॉल्व करें, न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर. सिमिलरली हेयर ऑल्सो विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 2 3 = 6, साइन इज -7 2 = 14 / 30.
will take LCM. The LCM of 15 and 30 is 30. 15 2s are 30. So you will have minus 6 and 2. 30 1s are 30. So you will have this. 6 2s are 12. 14 upon 30. Minus 12 plus 14 is 2 upon 30. Same thing, 2 upon 30. So we will cancel 1 by 15. So finally your answer is 1 by 15. Right? Now, what was the answer in LHS? 1 by 15. What is the answer in RHS? 1 by 15. Means you can say these are equal. And agar ye equal aaye, means property apply karne se bhi koi effect nahi pada. To ye tarika jo hua, ye simple hua because we have distributed terms. Theek hai? Dono tarike simple hai. Means kabhi bhi hume aisi situation aaye ki if A multiply by B plus C or B minus C. Yahan par operation plus or minus dono same, dono ke liye same applicable hoga. Theek hai? To hum usko distribute karke bhi solve kar sakte. So this is called distributive property, which is very very important property and last property of the chapter. So distributive property ko hum practice karenge. Distributive property ke alawa humne choti choti aur properties dekhi multiplication mein, ki agar koi number hai usko hum zero se multiply karenge, so answer will immediately zero. Multiply karne ki zarurat hi nahi hai. Like we are having A and we are multiplying by 0, so answer is 0. Any number A by B multiply by 0, then answer will be 0. I have 1 lakh rupees and I am multiplying by 0, so I have nothing, 0 ho jayega. So 0 ki ek importance hai, isliye maine aapko revise kara hai. Similarly 1 ki importance hai, kisi bhi number mein hum 1 ka multiply ya divide kar rahe hai, koi effect nahi hoga. A multiply by 1 is always A, or A divided by 1 is always A. There will be no effect. Like hum tables read karte hain, 2 1s are 2, 3 1s are 3, means number same hi rahega. Similarly 2 divided by 1, 3 divided by 1 will give you 2 and 3, means there will be no effect if we are multiplying 1 to the number or divide to the number. Once divide kar rahe hain to koi bhi effect nahi hoga. So students, अभी हमने सारी properties का revision लिया with question, with so many examples, and I hope कि आपको ये सारी properties जो हैं वो अच्छे से clear हो गई होंगी. This chapter is very very important chapter for your NCERT exam. ये तो एक simple है ही exam आपका, but इसके अलावा कोई भी competitive exam आप देते हैं तो वहाँ पर fractions and rational numbers के ढेर सारे question आपको मिलेंगे. तो हमें ये इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं अगर आप इन्हें केयरफुली सॉल्व करें. तो सबसे पहले आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो आप उसको ब्रैकेट में रखिए, जिससे साइन का हमें कन्फ्यूजन ना हो. ब्रैकेट्स अगर आ रहे हैं तो हम बॉडमॉस को फॉलो करेंगे. बॉडमॉस हमारा होता है बॉडमॉस, मीन्स फर्स्ट विल सॉल्व ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, then our priority will be divide, then multiplication, then addition and then subtraction. ठीक है? इसके अलावा commutative property, associative property and distributive property का हमने revision लिया. ठीक है? तो आप practice करिए, हम move करेंगे अगले topic पे. दोस्तों, now I am going to take very important part of rational numbers. This is very very important part. Why? Because now we'll see the representation of rational numbers on number line. अब number line क्या होती है? वैसे तो हम जानते हैं, but एक बार फिर से recall करेंगे. Number line means जिसका origin जो होता है वो zero. Like you use ruler or scale. Origin आपका कहाँ से होता है? Start कहाँ से होता है? Zero से. सबसे पहले हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मींस स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन तक, मींस जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनकाउंटेबल. बट दीज ऑल आर पॉजिटिव. तो जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. जीरो भी नहीं, जीरो के बाद वन से, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन. ठीक है? नाउ
इसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, दैट इज होल नंबर। उसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, सेम प्रोसीजर, जीरो वन एंड सो ऑन। तो जीरो से अब जो जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, टिल इंफिनिटी मीन्स अनकाउंटेबल नंबर्स बट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो, ठीक है। तो ये क्या हुए आपके होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड जीरो ऑल्सो। ये दो हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे, जो भी थे जीरो या जीरो एक्सक्लूड या जीरो इंक्लूड, बट दे ऑल वर पॉजिटिव। सो ये हमारे नंबर लाइन के राइट साइड में, आई मीन जो आपकी स्केल होती है उसका पूरा राइट पार्ट। पर आपने स्केल का लेफ्ट पार्ट नहीं देखा है। स्केल का लेफ्ट पार्ट मीन्स जीरो से लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी हमने जितना भी स्केल ऑब्जर्व किया है या नंबर लाइन बनाया है, वो ये एरो शोज कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर एंड इन्फिनिटी, बट ऑल वर पॉजिटिव नंबर्स। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स प्लस भी, पॉजिटिव नंबर्स भी एंड नेगेटिव नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो गए। पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड वाले हो गए पूरे। बट इफ यू हैव माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस सेवन, देन आपकी नंबर लाइन लेफ्ट साइड में ड्रॉ होगी। अगेन इट इज टिल इंफिनिटी और यू कैन से अनकाउंटेबल। ये हुआ आपका इंटीजर्स, मींस इंटीजर कवर करते हैं राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी। हमने सारे रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए, नेचुरल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया कि राइट साइड में रिप्रेजेंट होंगे। फिर हमने होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया कि जीरो इंक्लूड हो जाएगा एंड राइट साइड में ही रिप्रेजेंट होंगे। देन वी लर्न इंटीजर्स, इंटीजर्स जो हमारे होंगे, आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जो हमारे रिप्रेजेंट होंगे वो नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड भी रिप्रेजेंट होंगे एंड जीरो के लेफ्ट साइड भी रिप्रेजेंट होंगे, फाइन। अब जो हमारा नंबर है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम वो देखेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। रैशनल नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। पी एंड क्यू कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी माइनस भी, मीन्स पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड द कंडीशन इज क्यू विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। This is small definition or sweet and simple definition of rational number. Means P upon Q के form में होना चाहिए, यानी fraction के form में होना चाहिए। P और Q कोई भी integer हो सकते हैं, plus के भी number हो सकते हैं, minus के भी हो सकते हैं, as well as Q जो है वो कभी भी zero नहीं होगा। इसके क्या importance से हम उसको एक बार देख लें। Like I have a number 5/7, so it is a rational number. I have a number -5/7. Again it is a rational number because positive negative. I have a number -5/-7. Again it's a rational number. I have a number 5/1. Again it's a rational number. But I have a number 5/0. अब ये रैशनल नंबर नहीं है, इट विल गिव यू एब्सर्ड रिजल्ट। मीन्स आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो नॉट डिटरमाइन, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। और यू कैन से इट विल गिव यू इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वन चलेगा बट जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो है इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको रिकॉल कराई। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा आपका डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। एवरीवन ईट पिज्जा और चपाती, दिस इज पिज्जा, ठीक है। एवरीवन लव्स दिस पिज्जा और चपाती। आई वांट टू डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके तीन फोर कर देती हूँ। आई वॉन्ट टू डिवाइड फोर इक्वल पार्ट्स, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे चार इक्वल पीसेस कर लूंगी। चार इक्वल पीसेस जो हुए मीन्स इट इज 1/4,
इट इज 1/4, इट इज 1/4 एंड इट इज 1/4. ठीक है, इसी एग्जाम्पल में आई वॉन्ट टू डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. तो वट आई विल डू, आई विल कट फ्रॉम द सेंटर, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ. ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं. वह हम क्या करते हैं, हम रैशनल नंबर ही पढ़ते हैं. इनडायरेक्टली वी आर लर्निंग रैशनल नंबर बाय दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे. ये हो गई आपकी नंबर लाइन, दिस इज ओरिजन विच इज ऑलवेज जीरो. ये आपके प्लस हो गए, ये आपके माइनस हो गए. ठीक है, अभी हमारे प्लस ही हैं, जीरो एंड दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री एंड सो ऑन. टू इक्वल पार्ट्स में हमने पिज्जा को डिवाइड किया. तो व्हाट वी हैव, 1/2, 1/2. यहां से लेके यहां तक का आपका वन है. सो बीच में सेंटर पे जो होगा रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज 1/2. ठीक है, इसी पिज्जा को हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू एंड सो ऑन. अगेन सेम एग्जाम्पल, बट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स. अब हमारा क्या होगा, ये जीरो से वन है, इसके तीन इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. दिस इज 1/3, दिस इज 2/2. ठीक है, सिमिलरली यही हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू, एंड वी आर हैविंग वन पिज्जा एंड आई एम डिवाइडिंग इंटू फोर इक्वल पार्ट. तो मेरा पिज्जा जो है वो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज फोर इक्वल पार्ट, सॉरी हम यहां से पार्ट्स चेक कर लेंगे. दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर. इट इज 1/4, इट इज 2/4 एंड इट इज 3/4 एंड इट इज 4/4 मीन्स 1. यानी यहां से यहां तक का हमारा पिज्जा था एंड नाउ इट इज डिवाइडिंग इंटू फोर इक्वल पार्ट्स. ठीक है, सो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, चार इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया. नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया वो हमने देखा. सिमिलरली अगर माइनस का है तो ऐसा कि ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन किस साइड हो जाएगा, जीरो के लेफ्ट साइड हो जाएगा. बिकॉज रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है. इन डेफिनेशन वी हैव क्लियरली मेंशन दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं. ठीक है, अब ये आपने रिप्रेजेंटेशन तो इजीली अंडरस्टैंड कर लिया. आफ्टर रिप्रेजेंटेशन मैं आपको ये अब बताना चाहूंगी कि दो रैशनल नंबर के बीच के नंबर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे. हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. लाइक माय क्वेश्चन इज, आई हैव 20 एंड 25 एंड आई वांट टू राइट नंबर्स बिटवीन 20 टू 25. तो व्हाट आई जनरली से, 21, 22, 23 एंड 24. ये हमने क्या किया, 20 से 25 के बीच के नंबर्स निकाल लिए. बट दीज आर नेचुरल, तो बहुत ईजी था, हमने ईजिली बता दिया. आई एम हैविंग -5 एंड -1. राइट द नंबर्स बिटवीन -5 एंड -1. तो क्या होंगे, आप इमिजिएटली स्केल चेक करेंगे एंड आप कहेंगे मैम ये नंबर जो है -5 एंड -1 के बिटवीन में आएंगे. ठीक है, बट नाउ आई एम आस्किंग रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/3, कुछ भी रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/7 और वट एवर. हमें इनके बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं जो रैशनल नंबर ही होंगे एंड हमें रैशनल नंबर्स के बीच में से ही वो निकालने हैं. देन वॉट विल डू, सिचुएशन अब हमारे पास ये है कि हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं और रैशनल नंबर्स के बीच में से ही रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. देन अगेन इट्स वेरी इजी जॉब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे. बस हमको नंबर्स को केयरफुली देखना होगा. दिस इज -3/2 एंड दिस इज 5/3, दीज आर टू रैशनल नंबर. हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. मैंने आपको पहले भी बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स लाइक आई एम हैविंग 1/2 एंड 3/5.
इनको इक्वल बनाने के लिए मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं एंड इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, सो इट विल बिकम 5/10 एंड इट विल बिकम 6/10। डिनोमिनेटर सेम हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो हमें कुछ भी फाइंड करना इजी होगा, इवन एलसीएम भी सेम डिनोमिनेटर का बहुत इजी होता है, हमने अभी बहुत सारे सम प्रैक्टिस किए, ठीक है। सेम चीज को हम यहाँ फॉलो करेंगे, हमारी टर्म है 3/2, इसको हम इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाएंगे। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है, मीन्स इसका डिनोमिनेटर भी 6 बनाएंगे हम एंड 5 एंड 3 का भी डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, फाइन। नाउ 6 बनाने के लिए हम इसमें 3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एंड एज वेल एज डिवाइड करेंगे, ये हम ऑलरेडी कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर। सिमिलरली 6 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम 10/6। नाउ योर नंबर्स आर 9/6 एंड 10/6, इनके बीच के नंबर हम कितने सारे फाइंड कर सकते हैं? बिकॉज अब डिनोमिनेटर सेम है तो वी नीड टू ओनली फाइंड द नंबर्स बिटवीन -9 एंड 10। अब हमारा क्वेश्चन एक्चुअली ये हो चुका है, डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया है, फाइन। -9 और -10 के बीच में नंबर पता करने के लिए हम नंबर लाइन पर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज माय 10, फाइन। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0। देखिए मैंने पूरी नंबर लाइन ही आपके लिए प्लॉट कर दी। आई हैव टू फाइंड नंबर्स बिटवीन -9 to 10, देयर आर सो मैनी नंबर्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमें बीच में लेना, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर क्या है? -6, -6, -6, -6। ऑल नंबर्स हैव डिनोमिनेटर 6 बिकॉज वी आर फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन -9/6 एंड 10/6। मतलब हमारा क्वेश्चन था ये, इट इज कन्वर्टेड इंटू दिस, फाइन। एंड इनके बीच के इतने सारे रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए, फाइन। अब देखिए आप, इतने सारे रैशनल नंबर फाइंड करना हमारे लिए इजी कैसे हुआ? बिकॉज वी डिड द डिनोमिनेटर सेम, हमने डिनोमिनेटर को सेम बना दिया, ठीक है। तो हमें नॉर्मल नंबर्स पता चल गए, बट देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। इतने सारे नंबर अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन और एग्जामिनेशन का टाइम ही निकल जाएगा, है ना। मीन्स अगर ये तो छोटा सा नंबर था तो इसके बीच में 10-15 नंबर आए, बट ऐसे कितने भी आ सकते हैं, हजारों लाखों नंबर्स आ सकते हैं, तो देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। तो अभी हम वो पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इस प्रॉपर्टी को फिर से देखेंगे कि इफ वी फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट बाय दिस ऑब्जर्वेशन देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। दो नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, इफ दे आर आस्किंग फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2, तो हम ओनली 3 ही लिखेंगे। इफ दे आर आस्किंग फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज 2, तो वी विल फाइंड ओनली 5। इफ दे आर आस्किंग 10, देन वी विल फाइंड 10। अदरवाइज तो कितने भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने इसका डिनोमिनेटर अभी 6 बनाया, मान लीजिए अब मैं इसका डिनोमिनेटर 12 बना देती हूँ, 6 2 12, तो क्या हो जाएगा? 9 2 18 / 12। माई क्वेश्चन वॉज -9/6,
मैंने इसका डिनोमिनेटर 12 बना दिया, ठीक है। सिमिलरली 10 बाय 6 था तो मुझे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी हमारा हो जाएगा 20 बाय 12। अब आपको फाइंड करना है माइनस 18 बाय 12 से 20 बाय 12 के बीच के रैशनल नंबर्स। कितने सारे आ जाएंगे? अनकाउंटेबल आ जाएंगे, क्योंकि माइनस 18 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होगा एंड 20 जो है वो राइट साइड में होगा एंड इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। ये कब हुआ? जब हमने डिनोमिनेटर 12 बनाया। अब मान लीजिए हमने 24 बना दिया, तो ये चेन जो है इट इज एंडलेस चेन। देयर शुड बी सम फॉर्मूला और क्राइटेरिया, सो नाउ आई एम मूविंग टू दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया, क्योंकि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो वो तो कंटिन्यूएशन में चलता ही जाएगा, देयर विल बी नो एंड। फाइन।